प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरिद्वार में 1 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इससे महिलाओं को खाना बनाने में सुविधा के साथ समय की भी बचत हो रही है। देखिए हरिद्वार से हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला निःशुल्क गैस कनेक्शन महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाएं अपना अनुभव साझा करती हैं। वो बताती हैं कि पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। जंगल से लकड़ी लाना, चूल्हा जलाना, धुएं से आंखों और सांस लेने में दिक्कत होती थी। भोजन पकाने का समय और मशक्कत दोनों बहुत होती थी। एलपीजी सिलेंडर से जलने वाले चूल्हे ने इन महिलाओं के जीवन की कई मुश्किलों को आसान बना दिया है। जी, हमें सिलेंडर मिला है मोदी सरकार द्वारा और हमें बहुत सुविधा है। और पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते थे, बाहर जॉब भी करते, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन इस टाइम बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं और बर्तन भी काले होते थे। पहले हम ईंधन वगैरह से खाना बनाते थे, उससे धुआं वगैरह निकलता था और हमारी आंखों पे भी प्रेशर पड़ता था, इसलिए अब हम अपना टाइम भी बचता है हम लोगों का और खाना भी जल्दी से बन जाता है और हमारी आंखों पे भी हमें बहुत राहत मिली है। लकड़ी जंगल में लेने जाना, फिर वहां से लकड़ी लाके खाना बनाना, बरसातें पड़ती थी, लकड़ियां गीली मिलती थी, धुआं ही धुआं होता था, हमारी आंखें भी खराब हो जाती थी, इतनी आंखों में चुभन होती थी, बच्चे भी परेशान होते थे, पढ़ लिख नहीं पाते थे। फिर अगर हम केरोसिन का इंतजाम करते तो कभी केरोसिन मिलता था, कभी नहीं मिलता था मिट्टी का तेल, तो स्टोव में हम खाना बनाते थे, स्टोव में भी दिक्कत पड़ती थी क्योंकि मिट्टी का तेल बहुत ही महंगा पड़ता है। आज मोदी जी ने हमारे को उज्ज्वला गैस की योजना देकर हमें इतनी सुविधाएं दे दी कि हम एकदम 10 मिनट में हमारा खाना बन जाता है, खाना जल्दी बन जाता है, टाइम जितना बच्चे स्कूल चल जाते हैं तब टाइम से काम हो जाता है। हरिद्वार के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल बताते हैं कि यहाँ निम्न आय वर्ग की 1 लाख से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है। जनपद हरिद्वार में करीब 1,04,512 लोगों को अभी तक जो है उज्ज्वला के निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और इससे जो है हमने कोशिश की है कि कोई भी पात्र परिवार बचे नहीं, ढूंढ ढूंढ के उनको जो है कैंप लगा के और उनको उज्ज्वला के गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। और इससे जो है जो ग्रामीण अंचल है या शहर के लोगों के परिवारों के जो है जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वहीं जिले में एक गैस एजेंसी के संचालक विपिन शर्मा बताते हैं कि उनकी गैस एजेंसी से 485 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं और वे सभी नियमित तौर पर सिलेंडर के लिए आते हैं। लगभग जो है सभी में रिफिलिंग हो रही है, भरवा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है, सबका ठीक चल रहा है। जो कस्टमर को जो परेशानी थी पहले वो कोई परेशानी नहीं है, इजीली वो जिन्होंने पहले पर कनेक्शन प्राप्त कर लिए और अभी भी कोई कनेक्शन चाहता है तो उज्ज्वला ईपीओ उज्ज्वला योजना 2 के अंतर्गत दोबारा कनेक्शन भी वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना के पहले चरण की सफलता के बाद इस वर्ष अगस्त में योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया। इसमें निशुल्क गैस कनेक्शन के साथ पहला गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। किराए के घर में रहने वाले लोगों को भी इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।